तो अल्लाह ने कहा ये पाँव मार कर ना चलें ताकि वो छुपे हुए जेवर जो ना उनका पता ना चले, अंदाज़ा करो छुपे हुए जेवर। अब इस कुरान को ये हजम कराना चाहें हमारे मुज्तहिदीन की, ये छुट्टी देता है कि औरतें गाएं और मौसीकी और बैठें, तो ये कुरान पर ज़ुल्म अज़ीम ही होगा। एक बच्ची ने भी गांधी साहब ने से पूछा था, मैं प्रोग्राम देख रहा था कि गांधी साहब आप कहते हैं कि नहीं देखें ये सब उधर क्या है? ये आया है कि पाँव ना मारें से, जो इन्होंने सर दिया ये तो अल्लाह से पूछें कि उसने फिर योग मना किया और उसकी क्यों इजाज़त। ये कुछ जवाब एक ऐसे दौर का दानश्वर और ज़हीन आदमी ऐसे जवाब दे, ये नहीं पता चलता कि अंदर आवाज़ दे रहा कि ये नहीं बेजोड़ बातें हैं, अल्लाह रोकता।